ब्रॉट टू यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। जरूरत है देश को जाति जनगणना की, हमें मौका मिलेगा हम इसको करके देंगे। आने वाले समय में अखिलेश यादव के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे? तो पहले तो ये बताएं कि कांग्रेस के हिंदुत्व से परेशानी है कि भाजपा के हिंदुत्व से, और अगर उन्हें हिंदुत्व से परेशानी है तो राखी कौन बांधने जाता है? आखिर बीजेपी जाति जनगणना क्यों नहीं करा रही है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? वो शासन सत्ता में बैठी है, जब बिना जनगणना कराए शासन सत्ता में बैठी है तो क्यों कराएगी? उसको आ बैल मुझे मार वाली बात क्यों करनी है? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज प्रदेश कार्यालय पर एक बैठक की है, वो बैठक क्या है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपी स्टेट प्रेसिडेंट ब्रजलाल खाबरी जी हैं। खाबरी जी, आज आपने एक बैठक की है, एक मैसिव बैठक की है, इस बैठक में क्या कुछ निकल के आया? बैठक किस उद्देश्य से की गई थी? बैठक हमारे अनुसूचित जाति कांग्रेस की बैठक थी और पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी के लोगों को बुलवाया था। उनके साथ बैठ कर के तैयारी देख रहे थे, कहाँ कहाँ हमारा संगठन तैयार हो चुका है, जहाँ कम रह गया है उसकी और तेज़ी कराएं, इसी तरीके की बैठक थी। उसको आने वाले चुनाव की तैयारी के हिसाब से बैठक की जा रही थी। अच्छा, जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाओ को लेकर भी जो है आप लोग एक मुहिम चला रहे हैं, एक मासिव प्लान चला रहे हैं पूरे प्रदेश में जो है, पूरब से लेकर पश्चिम तक जो है उसको बीजेपी को घेरने के लिए, इसको कैसे आप लोग इस पर वर्क कैसे कर रहे हैं? नहीं, जाति जनगणना के लिए तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोला है कि ज़रूरत है देश को जाति जनगणना की, और जो जाति जनगणना पिछले हुई है जिसको 11 में ओपन करना चाहिए था वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। पहले तो उसको ओपन करें, इसके बाद फिर 11 से लेके 22 हो रहे हैं, 11 साल पर 12 हो गए हैं, इन 11-12 सालों में कितनी संख्या बढ़ी है कितनी घटी है उसकी दोबारा सर्वे होना चाहिए, ये आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोला है। पूरे देश के अंदर ये जाति जनगणना होनी चाहिए। तक कर्नाटक में जब चुनाव थे तो राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रचार प्रसार किया, जाति जनगणना का भी एक मुद्दा रहा उसमें, तो क्या लगता है कि जो अपकमिंग लोकसभा चुनाव है उसमें ये जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाओ का मुद्दा जो है ये फैक्टर काम करेगा? नहीं, इस फैक्टर से क्या है, तो काम करने का वो है, हमें मौका मिलेगा हम इसको करके देंगे। अच्छा, अखिलेश यादव ने इस ये जाति जनगणना की जो है एक मुहिम एकदम बड़े स्तर पर चलाई थी और अब कांग्रेस जो है इसको चला रही है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में अखिलेश यादव के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, क्योंकि वो भी आरक्षण के लेके मुद्दे को लेकर जो है हमेशा जो है कैंपेन करते रहे हैं? ये मुद्दा जो प्रश्न है ये राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच का है, राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसके अंदर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी काम करेगी। अच्छा, ये जो ये मंडलवार आप लोग शुरू कर रहे हैं ये आरक्षण को लेके और जाति जनगणना को लेके, तो इसको लीड कौन करेगा? क्या आरक्षण के ओबीसी समाज के जो नेता हैं इसको बैठक करेंगे, इसको छोटे स्तर पे या गांव स्तर पे कैसे इसको आप लोग इसको बड़ा करेंगे? इसके बारे में तो अभी हमारा प्लान बनेगा तो बताएंगे, अभी तो हमने शुरुआत की है, जब प्लान तैयार हो जाएगा तो आपको बताएंगे। आप शुरुआत हो चुकी है इसकी? हाँ, एक मीटिंग करके व्यूज लिए हैं हमने लोगों से और मीटिंग के बाद उसका प्लान तैयार हो जाएगा तो फिर आपको बताएंगे कहाँ से शुरुआत है। तो क्या टोल फ्री नंबर वगैरह भी जारी किए हैं क्या इसको जुड़ने के लिए, इस मुहिम से जुड़ने के लिए, आरक्षण बताओ जाति का जनगणना के लिए कांग्रेस ने ऐसा कुछ शुरू किया है क्या? ये अभी पिछली मीटिंग में ये सारी बातें हुई हैं लेकिन उसको हमने कार्यरूप दिया नहीं है, कार्यरूप देंगे तो बताएंगे। अच्छा, बसपा सुप्रीमो मायावती जो है कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं कि हिंदुत्ववादी को लेकर भाजपा भी और कांग्रेस जो है दोनों हिंदुत्ववादी के एजेंडे पर चल रही है, और जो दूसरे धर्म के हैं जैसे मुस्लिम पक्ष है उसको मजारों को तोड़ा जा रहा है और मुस्लिम समाज को जो है दरकिनारे किया जा रहा है, इसको कांग्रेस कैसे देख रही है? पहले तो वो ये बताएं कि कांग्रेस के हिंदुत्व से परेशानी है कि भाजपा के हिंदुत्व से, दोनों का नाम लिया ना, किस पार्टी के हिंदुत्व से उनको परेशानी है वो स्पष्ट करें, और अगर उन्हें हिंदुत्व से परेशानी है
तो राखी कौन बांधने जाता है? सरकार गठबंधन किनके साथ करके चलाती हैं? किस हिंदुत्व से परेशानी है वो खुद बताएं। अच्छा, आपको लगता है कि जो है आखिर बीजेपी जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रही है, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? कारण तो तमाम है, बीजेपी क्यों कराएगी? वो शासन सत्ता में बैठी है, जब बिना जनगणना कराए शासन सत्ता में बैठी है तो क्यों कराएगी वो? उसको आ बैल मुझे मार वाली बात क्यों करनी है? जातीय जनगणना कराने का मुख्य उद्देश्य है, जो आदरणीय राहुल जी ने कहा है, कि जिसको जितनी संख्या के अनुपात में लोग इस देश में हैं उनकी हिस्सेदारी उन्हें मिलनी चाहिए, और इस हिस्सेदारी को दिलाने के लिए उन्हें पहले आंकड़े चाहिए कि हकीकत में हमारे देश में किनकी कितनी संख्या है, और उस अनुपात में उनकी हक और अधिकारों की पूर्ति हो रही है या नहीं। तो इन्हें क्यों पड़ी है? भाजपा वाले तो चाहते हैं कि सारे के सारे अधिकार हमारे कुछ सीमित 5-6 परिवारों के हाथ में लग जाएं, बाद बाकी से क्या लेना देना। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि जब वो नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे थे तो कह रहे हैं कि जो है बाकी पार्टियां जो है वो कार्यकर्ताओं को टिकट देती हैं, परिवारवादों को टिकट देती हैं, भाजपा में ऐसा नहीं। पहले तो यही नई परंपरा है कि नियुक्ति पत्र नेता लोग बांटते नजर आ रहे हैं। वैसे नियुक्ति पत्र कहाँ से आते थे? डाक के द्वारा जो पास हुए अभ्यर्थी उन्हें नियुक्त किए जाने के लिए भेजे जाते थे। अब नेतागण उसके नियुक्ति पत्र बांटते बांटते घूम रहे हैं। तो इस तरीके का जो राजनीति हो रहा है, ये तो वोट की राजनीति है। अच्छा, अपकमिंग लोकसभा जो इलेक्शन आ रहा है तो उसमें कांग्रेस कांग्रेस क्या लगता है कितनी सीटें निकालेंगे यूपी से? आप लोग बैठक भी कर रहे हैं तो कुछ अभी 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 भविष्य के बारे में क्या बताया जा सकता है, पहले लड़ाई तो होने दो। ये थे आप प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, जिनका कहना है कि आने वाले समय में जाति जनगणना कराकर आरक्षण के जरिए जो है वो भाजपा को घेरेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीटें निकाल सके। अब देखना होगा आने वाले समय में कांग्रेस जो है कितने बड़े मासिव प्लान के जरिए जो है आरक्षण बताओ अभियान चलाएगी। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।